देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़। इस समय की सबसे इंपॉर्टेंट खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां पर बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो गई हैं। उन्हें लखनऊ के एक हॉस्पिटल में आइसोलेशन में रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता वाली बात है वो ये है कि कनिका पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने जो विदेश से अभी हाल में लौट कर आई थी, लंदन से लौट कर आई थी, और वो बिना एयरपोर्ट पर बिना जाँच के सीधे अपने घर पहुँच गई और उन्होंने ये जानकारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से छिपाई कि वो विदेश से लौटी हैं। और विदेश से लौटने के बाद उन्होंने लखनऊ में कई पार्टीज़ में शामिल हुई। खबर ये है कि वो 3 पार्टीज़ में शामिल हुई, इसमें तमाम सारे पॉलिटिशियंस, तमाम सारे ऑफिसर्स शामिल हुए थे। अब इस बात की बहुत आशंका फैल गई है कि कनिका जिन जिन लोगों के कॉन्टैक्ट में आई, जिन जिन लोगों के से उन्होंने मुलाकात की, उन्हें भी कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है। आज जैसे ही सुबह ये खबर आई कि कनिका कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं, दोपहर में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि वो एक ऐसी पार्टी में लखनऊ में शामिल हुई थी जहां पर कनिका भी आई हुई थी। साथ में वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह भी इस पार्टी में शामिल थे। अब ये खबर फैलते ही पूरे देश में सनसनी फैल गई। दरअसल दुष्यंत सिंह वसुंधरा राजे के बेटे हैं, वो सांसद हैं, और वो पिछले दिनों तमाम दिल्ली में तमाम लोगों से मिले थे, तमाम सांसदों से मिले थे। सांसद अनुप्रिया पटेल ने भी ट्वीट करके ये जानकारी दी कि उन्होंने कल दुष्यंत सिंह के साथ लंच किया था, लिहाजा वो उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। ये भी खबर है कि दुष्यंत सिंह हाल में राष्ट्रपति भवन भी गए थे। अब इस चेन को पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर कनिका कपूर ने पिछले दिनों किन किन लोगों से मुलाकात की, और वो जिन लोगों से मिली वो लोग कहाँ कहाँ तक गए, उन्होंने किन लोगों से मुलाकात की। तो ये आइए मैं जानने की कोशिश करते हैं कौन है कनिका कपूर और उन पर क्या आरोप लग रहे हैं। बेबी डॉल कनिका कपूर ने कोहराम मचा दिया है। कनिका की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद यूपी की सरकार सख्ते में आ गई है। आनंद फानन में राजधानी के बाजारों को बंद करने का फरमान सुना दिया गया है। दरअसल आज ही लखनऊ में रहने वाली कनिका कपूर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद तो पूरे सूबे में खड़कम मच गया। बताया जा रहा है कि कनिका हाल में लंदन से लौटकर लखनऊ आई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कहा तो यह भी जा रहा है कि कनिका एयरपोर्ट में बिना जांच कराए ही अपने घर पहुंच गई। हालांकि कनिका रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर रही हैं। वैसे घर आने के बाद कनिका लखनऊ में कई पार्टियों में शामिल हुई। इन पार्टियों में कई मंत्री, सांसद और विधायक शामिल हुए। इस बीच खबर आ रही है कि एक डिनर पार्टी में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी पहुंची थीं। वसुंधरा के साथ उनके सांसद बेटे दुष्यंत सिंह भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस पार्टी में तमाम अफसर, नेता और वीवीआईपी मौजूद थे। वसुंधरा राजे ने खुद आज दोपहर इस बात की पुष्टि करते हुए ट्वीट किया कि मैंने खुद को और अपने बेटे को आइसोलेशन में रखा है और डॉक्टरों की निगरानी में हूँ। उधर खबर आ रही यूपी के स्वास्थ्य मंत्री भी उस पार्टी में शामिल थे। अब चिंता इस बात की है कि पार्टी में आए हुए गेस्ट पिछले कई दिनों से कहां कहां गए और किस किस के संपर्क में आए। जाहिर है यह चेन जितनी बड़ी होगी संक्रमण फैलने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल एहतियात के तौर पर कनिका को लखनऊ में आइसोलेट कर दिया गया है। कनिका को कई दिनों से बुखार आ रहा था, इस बात की पुष्टि कनिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी की है। आइए आप जानते हैं सूबे में इतना कोहराम मचाने वाली कनिका आखिर है कौन। 41 साल की कनिका यूपी के लखनऊ की रहने वाली हैं। पेशे से पंजाबी सूफी सिंगर कनिका 3 बच्चों की माँ हैं। उनके बच्चे लंदन में ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। कनिका का कहना है कि हर 2 महीने में अपने बच्चों से मिलने लंदन जाती हैं। वैसे कनिका की शादी राज चंदोक से हुई थी, लेकिन अब दोनों साथ नहीं रहते हैं। सिंगर कनिका ने कई हिट सॉन्ग गाए हैं, इनमें बेबी डॉल, लवली एंड कमली, चिटिया कलैया, छिल गए नैना। तो ये अब इस बीच जो सबसे बड़ी खबर अब लखनऊ से आ रही है वो ये है कि यूपी सरकार ने कनिका कपूर पर कार्रवाई करने का फैसला कर लिया गया। माना ये जा रहा है कि कनिका कपूर ने जानबूझकर ये जो सेंसिटिव जानकारी थी छिपाई, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो विदेश से लौट कर आई और उनकी वजह से तमाम लोगों को इन्फेक्शन होने का खतरा फैल गया है। इस बीच जैसे ही खबर दोपहर में आई कि कनिका कपूर पॉजिटिव है, कोरोना वायरस से पॉजिटिव है, यूपी सरकार ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। लखनऊ की बाज़ारों को तुरंत बंद कर दिया गया। साथ में ये ऐलान किया गया कि यूपी के सारे शॉपिंग मॉलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। अब शाम को ये खबर ये आई है कि सरकार ने बिल्कुल इस बात को बहुत सेंसिटिव है और बहुत सक्रिय है कि जो लोग ये जानकारी छिपा रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर, उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और खबर ये है कि कनिका कपूर के खिलाफ यूपी सरकार
कार्रवाई कर सकती है। अब इस बारे में बात करने के लिए स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता चेतन त्रिवेदी जी। चेतन जी, खबर आ रही है कि यूपी सरकार ने कनिका के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है, आपके पास क्या अपडेट है? दरअसल सुबह तक तो ये बहुत नॉर्मल सी खबर चल रही थी, लग रहा था कि एक सिंगर को सिंपली सा एक बीमारी हो गई है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ता गया खबरें खुलती चली गई और उसके बाद एक बात सामने आई कि सिंगर कनिका कपूर गंभीर रूप से बीमार है, यानी कि उनका जो टेस्ट हुआ है कोविड-19 का वो पॉजिटिव आया है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले कनिका कपूर लंदन से आई थी, वहाँ उनके बच्चे रहते हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर बच्चे, तो वहीं से वो लौट करके आई थी और उसके बाद उन्होंने टेस्ट कराया था, संभवतः नेगेटिव आया, लेकिन कुछ सूत्रों का ये कहना है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि उन्होंने बिना ही टेस्ट कराए एयरपोर्ट पर वो अपने घर पहुँच गई थी। जाहिर तौर पर जब उन्होंने टेस्ट नहीं कराया तो उनके सिम्टम्स से वो नहीं आइडेंटिफाई हो पाई वो कोरोना उनको हो गया। इस बीच वो अपने घर लखनऊ पहुँची, लखनऊ पहुँचने के बाद उन्होंने कई सारी पार्टियों में शामिल हुई, जिन पार्टियों में बहुत सारे VVIPs आए हुए थे, राजनेता था, हाई प्रोफाइल पार्टियां थी, वो लखनऊ की तीन, कहा जा रहा है कि तीन हाई प्रोफाइल पार्टियां थी, उन पार्टियों में बड़े बड़े राजनेता आए हुए थे, जिसमें बताया जा रहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की वो भी आई हुई थी, कृष्ण राज सिंधिया, उनके बेटे दुष्यंत सिंह भी आए हुए थे उस पार्टी में। और अब ये भी खबर आने लगी है कि दुष्यंत पिछले दिनों संसद गए थे, कल उन्होंने संसद भवन में अपना हाउस अटेंड करा, लोकसभा अटेंड करी, उसके बाद उस दौरान उनकी मुलाकात और नेताओं से हुई है, अनुप्रिया पटेल से हुई। इस दौरान एक बार दुष्यंत सिंह का सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है, दुष्यंत सिंह जो राष्ट्रपति भवन नाम भी गए हुए हैं, जाहिर तौर पर जब इतनी बड़ी दूरी पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की, यानी कि लंबी चौड़ी एक चेन बन गई संक्रमण को फैलने की, ऐसे में अब सरकार बहुत गंभीर हो गई है। यूपी सरकार ने फिलहाल फौरी तौर पर ये घोषणा कर दी है कि वो इस मामले को बहुत गंभीरता से लेगी और अब आगे देखिए होता क्या इस मामले में पूरा। अच्छा चेतन जी, एक और मुझे लगता है शायद ये यूपी का दूसरा मामला है, क्योंकि इससे पहले आगरा में भी एक रेलवे अफसर के खिलाफ यूपी सरकार ने केस दर्ज किया था, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के कोरोना वायरस से पॉजिटिव होने की खबर छिपाई थी। अब ये दूसरा मामला हो गया है, जबकि कनिका कपूर ने भी इस तरह की जानकारी देने से छिपाया, तो यानी ये लग रहा है कि सरकार ये कह रही कि भाई आपको कोरोना वायरस से इन्फेक्शन है, अगर आप सस्पेक्ट हैं तो आप जानकारी दीजिए, ये अगर आप जानकारी छिपाते हैं तो ये गंभीर मसला है। तो आपको क्या लगता है कि जो कनिका कपूर ने ये जानकारी छिपाई, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, और ये कोरोना वायरस की जानकारी को छिपाना कितना सेंसिटिव या कितना गंभीर मसला है? देखिए क्या है कि इस समय पूरे देश में एक संक्रमण का फैल रहा है तेजी से, पूरे देश में एक गंभीर माहौल है इस समय पर। जो सरकार का साफ कहना है कि जो भी लोग संक्रमित हैं वो घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन उनको वो और लोग अपने को खुद को दूर कर लें, यानी कि आप वो आइसोलेशन में आ जाएं और वो रोग या और लोगों तक ना फैलने पाए, इसको लेकर के राज्य सरकार यूपी सरकार बहुत ही गंभीर हो गई है। उसने इससे पहले एक महिला जिसकी जो अपने हनीमून पर गई हुई थी, विदेश गई हुई थी, वहाँ से लौटने के बाद वो बेंगलोर गई, बेंगलोर से लौटने के बाद वो दिल्ली आई, दिल्ली से बाई ट्रेन उन्होंने ट्रेन पकड़ी और वो आगरा पहुँच गई। आगरा में उनको उनके फादर के घर गई, लेकिन फादर ने उनको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास पहुँचा तो उसको उन्होंने बताया नहीं, प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करा कि उनकी बेटी उनके घर पर ही है। जाहिर तौर पर सरकार ने उनके पिता जो रेलवे में अफसर भी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है, जो हम लोग के पास अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। जाहिर तौर पर इससे साफ ये हो गया कि सरकार बहुत गंभीर है। ऐसे में एक बार फिर एक जो इस तरह का प्रकरण कनिका कपूर का सामने आया, इसमें फिर सरकार गंभीर हो चुकी है। उसका साफ कहना है कि कनिका ने चूंकि लखनऊ में रहते हुए इस अहम खबर को, विदेश से यात्रा करके लौट के आने की बात को छुपाया, जाहिर तौर पर अगर वो उस पूरे प्रक्रिया को पार करके भी अगर आई हैं एयरपोर्ट में, अगर चेकिंग के द्वारा भी आई हैं, तो उस समय क्या उनको आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, और आने के बाद भी 9 तारीख के आसपास भी गवर्नमेंट ने कहा था जो लोग भी विदेश यात्रा करके लौट रहे हैं वो सरकार को सूचित करें, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ मिनिस्ट्री को सूचित करें, हेल्थ डिपार्टमेंट को सूचित करें, जिससे कि उनकी प्रॉपर जाँच हो सके और वो कुछ समय आइसोलेशन में रह सकें। ऐसे में कनिका ने जो बातें छुपाई हैं वो बहुत ही गंभीर हैं, इन पर बहुत सरकार यूपी गवर्नमेंट बहुत सख्त हो गई है, उन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। मैं एक अहम बात और बता दूं, इस बीच जो कनिका कपूर है उन्होंने कानपुर में कुछ रिश्तेदारों से भी मुलाकात करी, लखनऊ में गई, तो और इसके अलावा जो वो एक पार्टी में गई हुई थी उसमें जो हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जो तो उसमें एक हमारे यूपी के जो होम मिनिस्टर जो उसमें
हेल्थ मिनिस्टर है वो भी उस भी पार्टी में आए हुए थे। उसके बाद वो एक दौरे के दौरान ग्रेटर नोएडा पहुँचे, नोएडा में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। जाहिर तौर पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो तमाम सारे जर्नलिस्ट लोग भी उनके टच में आए। तो अब यूपी गवर्नमेंट का कहना है कि यूपी के जो तीन जगहों पर जहाँ जहाँ पर वायरस को संक्रमण होने के संभावनाएँ हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जिन लोगों की इन सब लोगों से मुलाकातें हुई हैं, उन सबको लोगों को शहरों को सैनिटाइज करने की बात भी सामने आ रही है। उन लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा जो इस पूरे तीन दिनों के दौरान, चार दिनों के दौरान एक दूसरे से जुड़े हैं, चेन बनी है। जाहिर तौर पर सरकार इस चेन को तोड़ना चाहती है, इसीलिए ये सारे प्रयास करे जा रहे हैं। इसी को ही जनता कर्फ्यू में के तौर पर एक आइसोलेशन के लिए बात कही जा रही है कि संडे के दिन कोई बाहर ना निकले। जाहिर तौर पर ये सब एक प्रयास है आइसोलेट रहने का। अच्छा, एक चेतन जी, एक और खबर आ रही है कि कनिका कपूर लखनऊ के ताज होटल में रुकी थी, वहाँ पर भी एक पार्टी हुई थी जिसमें तमाम लोग शामिल हुए थे। अब खबर ये आ रही है कि लखनऊ के ताज होटल को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया गया। ये भी एक बड़ा फैसला है। जैसे दिन में तो खबर आई थी कि वहाँ पर मेडिकल टीम दी गई थी और उस रूम को चेक किया गया था और लोगों से कॉन्टैक्ट किया गया था कि किन किन लोगों के कॉन्टैक्ट में कनिका कपूर आई थी। अब ये खबर आ रही है कि जो ताज होटल को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, दोपहर तक तो ये मैंने बताया आपको पहले भी, दोपहर तक तो बहुत सामान्य सी खबर आई थी कि एक सिंगर को कोरोना पॉजिटिव का पाया गया, लेकिन जैसे दिन बढ़ता चला गया ये खबरें और बढ़ती चली गई कि वो ताज होटल में पार्टी में गई थी। जैसे ये खबर आम सामने आई, तुरंत ही लखनऊ प्रशासन के आला अफसर पुलिस अधिकारी के साथ ताज होटल पहुँचे। उन्होंने उस प्लेस को पूरा सैनिटाइज लॉकडाउन कर दिया कि उस जगह पर और लोग ना आए। जाहिर तौर पर मैं बता दूँ, ये बहुत अहम बात है, जिस किसी को भी वायरस इन्फेक्टेड होता है उसके कपड़े, उसका जो यूज़ करा हुआ सामान है, उसको भी हम लोग ऐसे ओपन में थ्रो नहीं करते। जाहिर तौर पर जब पार्टी हुई तो वहाँ बहुत सारे लोग आए, वहाँ बहुत सारे एम्प्लॉइज़ भी उस दौरान वहाँ पर आए, गेस्ट आए, तो उन सबको आइडेंटिफाई करने के अलावा उस पूरी प्लेस में भी इन्फेक्शन हो गया। जाहिर तौर पर ये बहुत गंभीर सी बात है, इसको बहुत ही लखनऊ प्रशासन ने बहुत ही गंभीरता से लिया और तुरंत ही सक्रियता दिखाते हुए उस पूरी इलाके को, उन्होंने उस पूरे होटल में जब पहुंच गया आला अधिकारी और उसको सैनिटाइज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उन लोगों को भी जो उस दौरान वहाँ पर पार्टी में आए हुए थे, जो वहाँ पर अटेंडेंट्स थे, जो वहाँ के वेटर्स थे, उन सबको भी उस समय पर आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कौन लोग थे, उनको आइसोलेट करा जाए जिससे इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। देखिए, बार बार सरकार के लेवल पर हर स्तर पर एक यही बात कही जा रही है कि हम कम से कम आइसोलेट हों, कम से कम लोगों में मास में जाएं। जितना कम से कम जाएंगे उतना ही हम बचा पाएंगे इस बीमारी को, क्योंकि इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है फिलहाल, कोई दवाओं से इसका उपचार नहीं किया सकता। ऐसे तौर में जाहिर तौर पर सभी का प्रयास ही है सरकार के लेवल पर और भी दूसरे स्तर पर यही प्रयास है कि आइसोलेट किया जा सके लोगों को, जो जहां पर है वहीं पर उसको रोका जा सके। जी अच्छा चेतन जी, कुछ कनिका कपूर के बारे में बताइए, क्योंकि कनिका कपूर एक पढ़ी लिखी महिला है, एक प्रोफेशनल सिंगर है, पूरी दुनिया में वो जाती हैं, उनके शोज़ होते हैं, देश में शो होते हैं, वो बॉलीवुड में इतनी मशहूर हैं, यानी वो इतनी पढ़ी लिखी हैं, सजग हैं, अवेयर हैं, दुनिया भर में वो ट्रैवल करती हैं। अब उनके तीन बच्चे लंदन में रहते हैं, अब जब लंदन से वो इंडिया के लिए रवाना हुई होंगी तो जाहिर सी बात है लंदन भी पूरे ब्रिटेन में और क्या पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। लंदन में भी इस कोरोना वायरस बहुत पहले से फैल गया था, तो क्या उनको ये जानकारी नहीं थी और उन्होंने इतनी सेंसिटिव जानकारी छिपाई? और जैसे कि खबरें आ रही हैं कि उन्होंने एयरपोर्ट पे खुद को स्कैन भी नहीं कराया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो क्या उन्होंने ये जानबूझकर ये छिपाया? अगर इतने जानकार लोग, इतने जो अवेयर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो इस तरह की लापरवाही करते हैं तो ये कितना खतरनाक मसला बन जाता है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। ये देखिए, अभी भी क्या है, हमारे समाज में इस तरह की गंभीर बीमारियों को बहुत ही गंभीरता से लिया जाने लगा है, जबकि आमतौर पर इसका इलाज संभव है। आप आइसोलेशन में रहिए, आप दवाएं लगातार करते रहिए, आप मेडिकल ट्रीटमेंट में रहिए, और तो आप इसका इलाज संभव है। बहुत सारे लोग पिछले दिनों जो ठीक होकर के वापस भी आए हैं, घर वापस आ गए हैं, लेकिन अभी कुछ लोगों के अंदर घबराहट है, कुछ लोगों के अंदर ये है कि ऐसा ना हो कि हम आइडेंटिफाई हो जाएं तो हमको सरकार ले जाए पकड़ करके। तो इस चीज़ों से बचने के लिए कुछ लोग अभी भी छुपा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जो अभी तक कनिका के मामले में जो सामने आया है, कनिका 41 साल की हैं, लखनऊ के महानगर में रहती हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, बहुत बड़ी सिंगर हैं, उनके कई गाने, तमाम गाने हिट हो चुके हैं, तमाम लोगों के जुबान पे चढ़ी रहते हैं। उनके तीन बच्चे हैं, उनका विवाह काफ़ी साल पहले हुआ था लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ शायद नहीं रह रहे हैं। उनका विवाह होने के बाद उनके तीन बच्चे हुए, जो बच्चे हैं उनके तीनों वो इस समय लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं। आमतौर पर जो कनिका का कहना है, वो हर दूसरे तीसरे महीने अपने बच्चों की देखभाल के लंदन आती जाती रहती हैं। जाहिर तौर पर इससे पहले भी लोग विदेश
यात्रा करते रहे लेकिन इतनी गंभीरता का विषय नहीं रहा। पहली बार जब ये संक्रमण फैला उन देशों में जहाँ पर खासतौर से कोविड 19 के केसेस सामने आए तो सरकार गंभीर हो गई और उसका साफ कहना था कि जब कभी भी कोई बाहर से आए तो हमको इन्फॉर्म करे प्रॉपरली, जिससे उसकी स्कैनिंग हो सके, वो आइसोलेशन में रहे और उसके साथ जो परिवार के लोग हैं वो भी आइसोलेशन में रखे जा सकें, जिससे ये संक्रमण की इस चेन को तोड़ा जा सके। इसी तौर पर इसीलिए कनिका से भी कहा जा रहा था कि आप जब भी आए, जब कनिका भी लौट के आई उसके बाद उन्होंने जो सूत्र है हमारे वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने बाईपास कर दिया, जो वहाँ पर चेक हो रहा था एयरपोर्ट पर उसको भी बाईपास करा, वहाँ पर उन्होंने भी चेक नहीं कराया अपने को और वहाँ से सीधे अपने लखनऊ पहुँची। लखनऊ पहुँचने के बाद उन्होंने घर पर भी रेस्ट नहीं करा। हालांकि कनिका का यह कहना है कि उस दौरान उनको कोई सिम्टम नहीं थे इस तरीके की, उनको ना कोई फीवर था ना उनको फ्लू था। अभी पिछले 4 दिनों से उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनको फ्लू आइडेंटिफाई हो रहा है, उनको फ्लू लग रहा है। इसके बाद उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ोन करा, लोकल मेडिकल अथॉरिटीज़ आई उनके पास, उनका सैंपल लिया गया और उसके बाद उनको कोरोना पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई। जाहिर तौर पर जब रिपोर्ट आई उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेशन सक्रिय हो गया, उसके कान खड़े हो गए और इसके तुरंत बाद उनके पेरेंट्स को और उनको खुद को उनको आइसोलेट किया गया, जिससे कि ये इन्फेक्शन ना फैले बाकी लोगों के ऊपर। लेकिन जब कनिका से बातचीत हुई तब उन्होंने स्वीकार करा कि वो आने के बाद पार्टियों में गई, तमाम जगहों पर गई। जाहिर तौर पर जब इन्फेक्शन फैलेगा तो और लोगों तक ये जा सकती है बात है, और लोग बीमार हो सकते हैं। ऐसे में सक्रिय प्रयास सही है, सरकार का प्रयास यही है कि इस आइसोलेशन को रोका जा सके और जो लोग भी संपर्क में आ चुके हैं कनिका के उनको किसी तरीके से भी रोका जा सके, उनको किसी आइडेंटिफाई कर लिया जाए और उनको आइसोलेट कर दिया जाए जिससे वो और लोगों के संपर्क में ना आए। अभी मैं बता दूं, इस समय ब्रेकिंग अभी खबर आई है कि हरियाणा के फरीदाबाद में एक महिला को भी रिपोर्ट कोविड 19 में पॉजिटिव आई है। जाहिर तौर पर हरियाणा में पहला मामला है और ये बहुत गंभीर विषय है कि हरियाणा जो फरीदाबाद की रहने वाली महिला है उसको भी ये कोविड 19 पॉजिटिव आ गया है। अब सरकार का जो हरियाणा सरकार है उसको लेके बहुत गंभीर हो गई। उसका मानना है कि आनन फानन पे आज दोपहर में सारे आदेश दे दिए गए थे मॉल वगैरह को बंद करने के। मैं बता दूँ कि यूपी ने ही सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार ने मॉल्स को और शॉप्स को बंद करने का आदेश दिया। हाँ, इसमें जरूरी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनको हटा दिया गया है, उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं जो आवश्यक अधिनियम के अलावा आती हैं मॉल्स में वो बंद कर देंगे दुकानें। उसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने भी बंद करने का आदेश दिया, हरियाणा गवर्नमेंट भी बंद कर चुकी है और यूपी गवर्नमेंट ने भी आदेश दे दिया कि फिलहाल सारे मॉल्स दिल्ली के बंद कर दिए जाएंगे। जाहिर तौर पर ये सारा प्रयास चल रहा है किसी तरीके से लोगों के टच में आने से रोका जा सके, आइसोलेट किया जा सके, ये पूरा प्रयास कर रहा है चल रहा है। जी, अब इस बीच जो खबर आ रही है कि इसमें देश में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 242 हो गई है, ये बहुत गंभीर बात है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। सांसद वरुण गांधी ने भी जानकारी दी कि उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। सांसद अनुप्रिया पटेल ने भी खुद को आइसोलेट किया है। तो ये बहुत इस बहुत ही गंभीर मोड़ पर ये बहुत ज़रूरी है कि लोग खुद आके अपना चेकअप कराएँ और अगर जरा सा भी संक्रमण का जरा सा भी उनको सस्पेक्ट लगता है तो उन्हें खुद को आइसोलेट करना चाहिए। ये दरअसल कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था तब भी उन्होंने कहा था कि इस बीमारी से निपटने के लिए कोई दवा नहीं है। एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी हम कैसे लोगों से कट ऑफ हो जाएं, लोगों के संपर्क में ना आए, तभी हम इस बीमारी से निपटने में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चेतन जी, आप ये बताइए, जो लोगों से कह रहे हैं कि कॉन्टैक्ट ना करें, जैसे अभी संडे को ये कर दिया गया कि 22 मार्च को सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक लोग एक तरह का पब्लिक कर्फ्यू रहेगा, लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, ये लोगों से जो कॉन्टैक्ट से बाहर होने की बात है, कट ऑफ करने की बात है, आपको क्या लगता है ये कितनी कारगर होगी? देखिए, क्या है कि इस आपको मैं बता चुका हूँ, सब दुनिया जान रही है इस समय कोविड 19 जल्दी से फैल रहा है और इसकी कोई दवा अभी तक नहीं डिस्कवर हो पाई है। जाहिर तौर पर इसकी एक ही दवा है, बस आप प्रिकॉशन लीजिए, लगातार आप हाथों को धोते रहिए, आप अपने अगर हाँ बाहर से आ रहे हैं तो अपने को सैनिटाइज़ करिए प्रॉपरली, आप कम से कम लोगों से मुलाकात करिए, आप हाथ मत मिलाइए, आप अपने मुँह और नाक पर बेवजह हाथ मत लगाएं। अगर इसके अलावा अगर आपको फ्लू के सिम्टम्स लग रहे हैं, अगर आपको जुकाम लग रहा है या फीवर आ रहा है या गला खराब है बहुत दिनों तक लगातार, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो जाहिर तौर पर इस तरह के प्रिकॉशंस लें और सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि चूंकि ये फ्लू इस तरह का है कि मैन टू मैन कन्वे हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, इसलिए इसको जब तक नहीं रोका जा सकता जब तक और लोग दूसरे लोगों के टच में ना आएँ। जाहिर तौर पर अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव आइडेंटिफाई हो जाता है, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, तो उसका पहला काम ये है कि वो और लोगों को ना होने दे। उसका पहला फ़र्ज़ है कि उसको उस कम्युनिकेशन को रोके, खुद को भीड़ से भाड़ से ले आने से रोक ले। इवन अभी कुछ मैं जो दिल्ली के आसपास के इलाकों में, वहाँ पर कई सोसाइटीज़ में अखबार तक लाना बंद कर दिया गया है। जाहिर तौर पर ये माना जा रहा है कि अखबार के थ्रू किस ना जाने कितने लोग उसको छुएंगे, वो कम्युनिकेट हो सकता है।
है, इस तरह के बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं। मैं बता दूँ दिल्ली में 22 तारीख संडे को जिस दिन ये जनता कर्फ्यू रहेगा उस दिन मेट्रो सेवा बंद रहेंगी। अभी भी खबर ये आ रही कुछ ट्रेनों को भी जनता कर्फ्यू के दौरान रद्द कर दिया गया है। इस वैसे भी इस समय ट्रेन में ट्रैफिक एक बहुत बड़ी संख्या जो हमारे देश की पॉपुलेशन लगातार ट्रेन में ट्रैवल करती है जाहिर तौर पर इससे कम्युनिकेट होने का बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। ऐसे में बहुत अहम बात होगी कि हम ट्रेनों को भी कंट्रोल कर लें जिनों से जो लोग आ जा रहे हैं। वैसे मैं बता दूं आपको इस एक बात और है कि बहुत स्टेशनों पर कई प्रमुख स्टेशनों पर सैनिटाइज़र के इंतज़ाम करे गए हैं लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों को इस बारे में बताने के लिए, जानकारी देने के लिए लगातार अनाउंसमेंट्स हो रहा है। मैं बता दूं कि मोबाइल फ़ोन पर आप किसी को फ़ोन करेंगे तो उस दौरान आपको बताया जाएगा कि कोरोना वायरस के अगर आपको इन्फेक्शन महसूस हो रहा है या आपको लग रहा है कोई लक्षण लग रहे हैं तो आप तुरंत आप नंबर पे हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करिए, आपको मतलब मदद मिलेगी। जाहिर तौर पर ये एक पूरा प्रोसेस है कम्युनिकेट करने का, लोगों को जानकारी देने का। जिसको जितनी जानकारी होगी उतनी ही इससे बचाव हो सकता है, बिना जानकारी के इसमें बचाव होना संभव नहीं है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम सभी लोग एक दूसरे को बचाव करें। अगर किसी को भी सिम्टम्स नज़र आता है तो हमारी MCG न्यूज़ की तरफ से भी यही अपील है, अगर आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आप घबराएं नहीं, आइसोलेट मत हों, आप जानकारी लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट को तुरंत दें इसकी, और जिससे कि आपको सही समय पर सही तरीके से दवाएँ मिल सकें। जी धन्यवाद चेतन जी, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो हम अपने MCD के दर्शकों से भी यही अपील करेंगे, कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा जो आपकी जिम्मेदारी बनती है एक नागरिक होने के नाते, सरकारें अपने लेवल पर प्रयास कर रही हैं लेकिन आपको जो करना है, एक तो खुद को संक्रमण से बचाना है प्लस दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाना है। और ये जो जिस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं वो ये कि अगर आप जानकारी को छिपाते हैं, अगर आपको थोड़े से भी सिम्टम नज़र आ रहे हैं तो आप बिल्कुल जो इतने सारे हेल्पलाइन नंबर है आप वहाँ कांटेक्ट करें, आप खुद का चेकअप कराएं और ना खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें। आप देखते रहिए MCD न्यूज़। आप अगले अपडेट के साथ हम जल्दी फिर हाजिर होंगे।